तो हेलो गाइस, सलाम, स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं इस हफ्ते का टेक न्यूज़, जो कि थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके और आपके लिए स्पेशली ऐसे बना गया, ताकि आपको भी लग सके कि आपको कुछ नया मिलने की कोशिश हो रहा है और मेरे को भी लग सके। वही सिंपल सेटअप के साथ मुझे भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया। आज ब्लॉगिंग स्टाइल में आपको टेक न्यूज़ देने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए और एक अच्छा न्यूज़ ये है कि मैं अगले हफ्ते से पूरा वीडियो देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो मतलब आपको हर दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियोस देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और आपके लिए जैसा वीडियोस था वैसे ही। एक्चुअली क्या हुआ था, बीच में थोड़ा ऐसे भी धूप ज़्यादा हो रहा है और एक्चुअली बीच में थोड़ा सा मैं आलसी हो गया था, क्योंकि आपको भी पता है अगर जो छोटा क्रिएटर है, जो खुद क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स है, और उनको ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं मिलने से थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी लगता है, मन इतना एनर्जेटिक नहीं होता। लेकिन वो एनर्जेटिक लाने के लिए थोड़ा सा खुद को भी स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा वीकअप लेना ज़रूरी था, इसलिए पूरा वीकअप के बाद अगले हफ्ते से आपको डेली का आपका अपडेट देते रहूँगा। आपको जैसे आपका वीडियो आता था वैसे ही आएगा, आपको हर दिन अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आपके लिए आपका प्यारा टेक न्यूज़ दोस्तों। तो दोस्तों, आपके लिए पहला टेक न्यूज़ ये है कि MIUI की तरफ से ये अपडेट आ चुका है कि अप्रैल का सिक्योरिटी पैच, जो अप्रैल में वो लॉन्च कर चुके हैं, कुछ डिवाइस उसमें सपोर्टेड करते हैं, उसका लिस्ट मैं आपको डिस्प्ले में सामने दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कौन सा डिवाइस है सपोर्टेड ले रहा है। उसमें अभी अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट आने वाला है, आप जब भी आए आप जाके सिक्योरिटी पैच अपडेट कर लीजिए, ताकि आपका मोबाइल्स और आपका डिवाइस जो है वो थोड़ा सा सिक्योर हो सके। वो भी दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा था कि MIUI 13 तो नहीं, MIUI जो आपका एंड्रॉयड 13 पे आने वाला था MIUI, वो फ़ोन कौन, कुछ लिस्ट मैंने आपको पहले बता दिया था कौन सा फ़ोन में एंड्रॉयड 13 का अपडेट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, ये कंफर्म न्यूज़ था, वही फ़ोन्स आपको एंड्रॉयड 13 के साथ नहीं आने वाला है, लेकिन शुक्र मनाइए कि वो फ़ोन सब आपको एंड्रॉयड 12 के साथ आने वाला है। और एक अच्छा चीज़ ये है कि पोको का जो X2 फ़ोन था, पोको M2, वो सब फ़ोन में एंड्रॉयड 12 आने वाला है। वो भी आपको मई या जून में देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको वही सेकेंड क्वार्टर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं लिस्ट पढ़ रहा था, उस लिस्ट में भी था कि आपको सेकेंड क्वार्टर में ही इसका अपडेट देखने को ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि रियलमी का GT Neo 3 फ़ोन लॉन्च होने वाला है, येस, ये दिस वीक अप्रैल में ही आपको लॉन्च होने को मिल रहा है, इस हफ्ते में ही आपको लॉन्च हो जाएगा, इस हफ्ते या तो अगले हफ्ते में ये लॉन्च होने वाला है। वही सेम स्पेसिफिकेशन का 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वो भी MediaTek Dimensity 8100 के साथ ये फ़ोन आने वाला है। उसमें आपको 50 MP का कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी देखने को मिलता है, वही 5000 mAh का बैटरी भी दोस्तों इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है। और दोस्तों, मेरे को एक चीज़ आपसे जानना था कि आपने KGF चैप्टर 2 देखा या नहीं, और देखा तो आपको संजय दत्त का एक्टिंग कैसा लगा, और हमारा सुपरस्टार यश भाई का एक्टिंग कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्योंकि ये मैं तो अभी तक देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखे हैं तो आपका रिव्यूज़ कैसा है, पिक्चर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़। सुनने में आया है कि 2024 में आईफोन अंडर डिस्प्ले कैमरा लेके आने वाला है। इसका मतलब ये है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा अगर आईफोन लेके आ रहा है, मतलब परफेक्ट कुछ लेके आने वाला है। उसका आपको पता है कोई भी चीज़ जो थोड़ा लेट में लगता है, लेकिन पूरा परफेक्ट और पूरा ओरिजिनल टेक्नोलॉजी का साथ लेके आने वाला है। वो ये फ़ोन आपको 2024 में देखने को मिलेगा अंडर डिस्प्ले कैमरे के साथ, अंडर जो कैमरा है उसमें भी आपको फेस आईडी देखने को ज़रूर मिलने वाला है। ये 2024 में आने वाला है दोस्तों। तो गर्मी का सीज़न बहुत बढ़ चुका है, मैं जहाँ पे रहता हूँ उड़ीसा में, वहाँ पे तो टेम्परेचर अभी 42-44 डिग्री भी रहता है। लेकिन इसके साथ आपको और एक ज़बरदस्त न्यूज़ दे दूँ, BGMI ने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि इंडिया, ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए लॉन्च किया जा रहा है, कुछ गड़बड़ होगा तो उसमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेने वाले थे, इसीलिए BGMI ने रिसेंटली अप्रैल एंड तक 40,000 अकाउंट बैन कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप खेल रहे हैं तो जेन्युइनली खेलिए, कुछ भी इधर उधर ट्राई मत कीजिए, वरना आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरे न्यूज़ दोस्तों, Xiaomi की तरफ से और एक न्यूज़ कन्फर्म होने वाला है। क्या उसमें आपको Xiaomi जैसा प्रॉमिस किया था कि रियल ओप्पो और वीवो की तरह वो भी कुछ कॉम्पैक्ट तो नहीं, जैसे लुकिंग में अच्छा हो सके वैसे ही फ़ोन लाने की कोशिश करने वाला था, और वो सीरीज़ था Xiaomi का CV। तो दोस्तों, आई थिंक ये फ़ोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, Xiaomi का CV1S, जिसका मैं आपको फोटो डिस्प्ले में दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कर्व डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आने वाला है, विथ अच्छा खासा प्रोसेसर, अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ आने वाला है।
हाँ बैक में आपको कैमरा डिज़ाइन थोड़ा देखा हुआ लगेगा, लेकिन ये फ़ोन बहुत अच्छा लुकिंग के साथ बहुत जल्द आज का टेक न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों आपका आज का टेक न्यूज़ कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज कुछ अलग करने की ट्राई किया था, ब्लॉगिंग स्टाइल में आपको टेक न्यूज़ देने की कोशिश ज़रूर करा था। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे तो क्लिक कीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो आप तक अपलोड करें आप तक पहले जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।